हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। रियलमी 10 प्रो में इससे पहले भले ही कुछ इशू आ रहे थे, कुछ इशू सॉल्व करने का कुछ तरीका मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, एंड कुछ इशू तभी तक चल रहे थे, पर फिलहाल रियलमी 10 में जाके एक न्यू अपडेट रिसीव हुआ है। जिस अपडेट का बिल्डर वर्जन है 11.8.27। ये अपडेट आने के बाद से कुछ इशू फिक्स तो हुआ है, एंड उसके साथ साथ कुछ और ज़्यादा बग्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं, जो कि रियलमी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बग्स के बारे में और कुछ बग्स को काउंटर करने वाले टिप्स के बारे में, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए क्या हो सकता है या नहीं। ये जो अपडेट है, ये अपडेट करने के बाद Realme 10 वाले जो यूजर्स हैं, मैं Realme 10 5G की बात कर रहा हूँ, ओके 10 Pro 10 Plus इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो, 10 वाले जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम है बैटरी ड्रेन इशू। यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि अपडेट के बाद उनका बैटरी ड्रेनिंग काफी हद तक बढ़ गया है, फोन थोड़ा हीट हो रहा है और बैटरी काफी अच्छे से ड्रॉप हो रहा है। अगर आप मानते हैं कि बैटरी ड्रेनिंग को कैसे फिक्स किया जाए, तो बैटरी ड्रेनिंग फिक्स करने का लाखों से लाखों तरीका है, पर Realme का कम्युनिटी में खुद ही एक का बताया गया है कि आप अपना जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा रैम को कंज्यूम करते हैं या ज्यादा से ज्यादा बार ओपन या क्लोज होते हैं, और कुछ एप्लीकेशन है जो बैकएंड में रनिंग नहीं होते, उनको क्लोज कर सकते, जो कि बहुत बेसिक है। और एक उन लोगों ने पूरा आर्टिकल डेवलप किया था, जिस आर्टिकल में बैटरी ड्रेनिंग को कैसे फिक्स किया जाता है, ऑल पॉसिबल रीजन एंड सॉल्यूशन बताया गया था। उसका लिंक आपको कम्युनिटी वाले पेज में मिल जाएगा और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल सके। अपडेट में एक और प्रॉब्लम आया है कि वो है कैमरा ऐप का इशू। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा स्टेबिलिटी मिसिंग आ रहा है और कैमरा ऐप थोड़ा सा लैग कर रहा है। कुछ केस में दिख रहा है कि कैमरा शटर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है। मतलब कैमरा एप्लीकेशन में कुछ लैग आ रहा है। अगर आप लोग काफ़ी दिनों पहले Realme X2 यूज़ करते तो Realme X2 में कुछ ऐसा ही इशू आता था, और आज तक Realme X2 का ये वाला प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। और मतलब हम इसके बाद से, मतलब मैंने तो कभी Realme X2 का जो कैमरा ऐप है उसको विदाउट लैग देखा ही नहीं। मतलब जो नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन है उसमें बहुत सा लैग हमें अभी भी देखने को मिलता है। कुछ केस में लैग हैंग जो कि यूज़र को फेस हो रहा है, कुछ केस में इन द सेंस जब वो लोग कोई एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गेम को खेलना चालू कर रहे हैं जो कि पिछले अपडेट में नहीं हो रहा था, मतलब ये जो वो बग्स है जो पिछले अपडेट में नहीं हो रहा था, ये अपडेट के बाद हो रहा है। ओके, Realme ने कुछ बग्स तो उधर फिक्स कर दिया, पर इधर कुछ केस में सेम बग्स उनको देखने को मिल रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग्स उनको देखने को मिल रहा है। तो बेसिक बात यह है कि Realme का ये वाला जो अपडेट है, ये वाला अपडेट पूरी तरह से फिक्स नहीं है। मतलब कुछ इशू वहाँ पे आता रहता है, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस के तौर से बता देता हूँ, Realme के कोई सा भी अपडेट बराबर फिक्स नहीं होता। एक अपडेट आने के बाद एक प्रॉब्लम तो फिक्स होगा, बट उसके साथ है बाकी कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आते रहेंगे। तो काइंड ऑफ अ थिंग ये कंटिन्यू है कि लूप प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा, ताकि Realme कंटिन्यू पैच को अपग्रेड कर सके। इस अपडेट के चलते एक चीज अच्छा ये हुआ है कि इस अपडेट के जरिए पूरा ओवरऑल मोबाइल का जो एक अच्छा स्नैपिनेस था वो बरकरार है। उसके साथ साथ कुछ पुराने वाले बग्स थे वो थोड़ा थोड़ा करके फिक्स हुआ है। लोगों को मोबाइल यूज करने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सिवाय कि थोड़ा सा लैग और हैंग के और कैमरा इशूज के एंड मोस्ट ऑफ बैटरी ड्रेन के, बट ओवरऑल फोन काफी अच्छा चल रहा है, काफी स्टेबल का ऐसा नहीं चल रहा है। आप लोग जो Realme कम्युनिटी के अच्छे हिस्सा हो और कम्युनिटी में कंटिन्यू पोस्ट करते रहते हो, मेरा सजेशन यही है कि आप कम्युनिटी में पोस्ट करते रहिए, ताकि उन लोगों को आपको अप टू डेट रखना पड़े, एंड वो लोग अगर उनके पास कोई अच्छा फीडबैक जाता है वो लोग भी अपने हिसाब से उसको चेंज कर पाएगा, एंड ताकि आपका फोन को भी फिक्स कर दिया जा सके। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।